अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि सभी खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ फिर से एक बहुत ही खूबसूरत सा डिजाइन शेयर करूंगी, जो कि डिजाइन देखने में इस तरह से लगता है, बनाना जितना आसान है देखने में उतना ही खूबसूरत लगता है। आप इसे एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा। ये सीधी साइड से इस तरह से दिखता है, ये देखिए। आप इसे किसी भी लेडीज के कार्डिगन में डालिएगा, बहुत ही ये खूबसूरत लगता है बनने के बाद। और उल्टा साइड में भी आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत लग रहा है उल्टा में भी। आप अगर चाहें तो ये स्टेप बदल करके इसको भी आप सीधा बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं किस तरह से बनाएंगे। 18 फंदा का ये डिजाइन है और 18 फंदा में ये और ये मैंने अलग से डाला है। बीच में ये वाला जो डिजाइन है ये 18 फंदा का आपको बनेगा और उसके बाद ये अलग डाला है जो कि 12 फंदा का ये डिजाइन होगा। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं किस तरह से हम बनाएंगे इसे। इसमें देखिए मैंने 30 फंदा डाल लिया है। 30 फंदा डालने के बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम दो फंदा उल्टा और तीन फंदा सीधा, एक दो तीन, फिर एक फंदा उल्टा। अब हम इसमें जाली देंगे और दो फंदा सीधा बनाएंगे। फंदा देखिए अपने ही साइड रखेंगे, ध्यान दीजिएगा। फंदा देखिए अपने साइड है और यहाँ पर हम जाली दे देंगे, एक सीधा फिर दो सीधा, फिर यहाँ पर एक और ये रहा दो, दो उल्टा। अब फंदा पीछे करके हम इसे यहाँ पर से हम दो फंदा को एक कर देंगे, एक सीधा हो जाएगा। इसके बाद फिर से दो फंदा हम उल्टा बनाएंगे, फिर दो फंदा सीधा बनाएंगे, फिर से दो फंदा उल्टा बनाएंगे, अब हमको ये दोनों फंदा को इस साइड से ऐसे बंद करना है। ये देखिए, इसके बाद फिर से हम दो उल्टा और दो सीधा, यहाँ पर हम जाली देते हुए एक उल्टा बना लेंगे, तीन सीधा बना लेंगे, दो तीन, लास्ट में हम दो उल्टा बना लेंगे। ध्यान से देखिएगा, दो फंदा उल्टा, तीन फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा, एक जाली का, फिर दो सीधा, दो उल्टा, यहाँ पर दो का एक किए सीधा, फिर दो उल्टा, दो सीधा, दो उल्टा, फिर से यहाँ पर दो का एक कर दिए, फिर दो उल्टा, दो सीधा, फिर जाली दिए, फिर एक उल्टा, तीन सीधा और दो उल्टा। उल्टी साइड में ध्यान दीजिएगा, एक सिलाई हम बना करके आपको दिखाएंगे। जहाँ पर आपको उल्टा दिखाई पड़ेगा वहाँ पर उल्टा बनेगा और जहाँ पर सीधा वहाँ पर सीधा बनेगा, ये आपको हमेशा ध्यान में रखना पड़ेगा।
फ्रेंड्स डिजाइन बहुत ही आसान है, एक बार आप इसे ट्राई जरूर करिएगा। ये मेरा दूसरी सिलाई कंप्लीट हो गया, अब हम तीसरी सिलाई में आ गए हैं। ध्यान से देखिएगा, दो फंदा मेरा एक्स्ट्रा वाला फंदा पीछे करेंगे, ये साइड वाला डिजाइन जो है इसको हम इसके ऊपर से ऐसे बंद कर देंगे, और एक फंदा बनाने के बाद हम दूसरा फंदा में जाली दे देंगे। तो फ्रेंड्स हम आपको हमेशा ये डिजाइन नहीं बताएंगे, इसके बाद फिर एक फंदा उल्टा और हमेशा की तरह हमको यहाँ पर जाली देना है और इसे उल्टा बना लेना है। उल्टा बनाने के बाद हम एक दो फंदा सीधा, दो फंदा उल्टा फंदा पीछे करेंगे, और यहाँ पर जो एक का दो करते थे उसे हम एक का दो कर देंगे। अब यहाँ पर मेरा बचेगा एक फंदा उल्टा, दो फंदा सीधा, फिर इस साइड भी एक फंदा ही उल्टा बनाएंगे, फंदा पीछे करके यहाँ पर हम दो का एक कर देंगे। उसके बाद फिर दो उल्टा, दो सीधा, जो जाली दिए थे वो इसी में मिल जाएगा, इसको उल्टा बना लेंगे। अब फिर से हम फंदा यहाँ पर लपेट कर जाली देंगे और इसे भी उल्टा बनाकर फंदा पीछे करेंगे। ये लास्ट वाला जो है इसको इस तरह से इसके ऊपर हम बंद कर देंगे, ऐसे करके बना लेंगे। तो फ्रेंड्स अब हम आपको उल्टा नहीं बनाकर दिखाएंगे, क्योंकि वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा उल्टा दिखाने में। फिर से सीधी सिलाई में दो फंदा एक्स्ट्रा वाला, तीन फंदा डिजाइन वाला, साइड में जो डिजाइन डाले हैं वो डिजाइन है, फिर एक फंदा मेरा उल्टा, फंदा अपनी साइड करके हम एक जाली दे देंगे, और ये टोटल फंदा को हम सीधा बना लेंगे। अब यहाँ पर हमको एक दो, दो फंदा उल्टा, इसको फिर से इस तरह से पलटेंगे और यहाँ पर ऐसे फंदा पीछे करके यहाँ पर दो का एक कर देंगे। अब ये सीधा बना लेंगे, फिर से सीधा बना लेंगे। अब ये वाला जो फंदा है इसे भी यहाँ पर हम दो का एक कर देंगे। दो फंदा उल्टा, एक दो तीन चार, चार फंदा मेरा सीधा बन गया। अब हम यहाँ पर फंदा ऐसे लपेट करके एक फंदा उल्टा बना लेंगे, अब एक लास्ट डिजाइन है इसे भी बना लेंगे, और उल्टा में जहाँ पर जो फंदा जैसा दिखेगा वैसा ही बनेगा। तो उल्टा बनाकर फिर आगे आपको हम दिखाएंगे। देखिए फ्रेंड, फिर से सीधी सिलाई में दो फंदा एक्स्ट्रा वाला, और ये डिजाइन अभी डलाएगा, तो ये डालकर फिर आगे आपको देख। डिजाइन डालने के बाद एक फंदा उल्टा बना करके अब हम यहाँ पर जाली देंगे और एक फंदा को बना लेंगे। दो तीन चार, ये रहा पाँच, पांच फंदा बनने के बाद हम यहाँ पर एक और दो, दो फंदा उल्टा बना लिए हैं। अब फंदा को जैसे हम पलटते थे उसी तरह से पलटेंगे और यहाँ पर हम बीच सेंटर में आ गए हैं, दो का एक कर लेंगे। फिर इधर वाला फंदा जो है दोनों ही आगे पीछे करके हमें फंदा इस तरह से बंद कर देना है। ये देखिए, ये डिजाइन मेरा आ करके ये बीच सेंटर में मिल गया है यहाँ पर इस तरह से।
इसके आगे अब हमको दूसरा स्टेप स्टार्ट करना सीधा में। इसके बाद जो जैसा दिख रहा है वैसा बनेगा। लास्ट में फिर हमको जाली देना है, एक दो तीन चार, ये रहा पांच, पांच फंदा बन गया है। अब हम फंदा को ऐसे लपेटें या फिर फंदा पीछे ही रख करके इसे उल्टा हम बना लें। दोनों में आपको बात बराबर होगा। अब ये डिजाइन बनाकर उल्टा बना लेते हैं, फिर आपको आगे दिखाएंगे। जैसा कि मैंने बताया था कि यहाँ पर से अब मेरा दूसरा स्टेप स्टार्ट होगा, तो ध्यान दीजिएगा। एक दो फंदा एक्स्ट्रा वाला, तीन फंदा डिजाइन वाला, अब एक फंदा उल्टा, यहाँ पर से फंदा अपनी साइड रहेगा, इसे हम इस तरह से ऐसे पलटेंगे और दो का एक कर देंगे। उसके बाद ये फंदा बना देंगे, एक दो तीन चार, दो फंदा उल्टा, दो तीन चार। चार फंदा बनने के बाद हम ये इधर से ऐसे दो फंदा बंद कर देंगे और फंदा पीछे ही रहेगा, इसको हम उल्टा बना लेंगे। उसके बाद ये डिजाइन वाला मेरा फंदा, तीनों फंदा बन गया। तो उम्मीद करते हैं कि डिजाइन थोड़ा थोड़ा समझ में आया होगा। थोड़ा सा और बताएंगे तो इंशाल्लाह पूरा डिजाइन आपको समझ में आ जाएगा। देखिए फ्रेंड, अब ये जो मेरा प्रोसेस जा रहा था घटते हुए, यहाँ पर से मेरा घटना बंद हो गया है। अब यहाँ पर मेरा ये घटता हुआ जाएगा, ये देखिए इस तरह से, इस तरह से ये घटता हुआ जाएगा यहाँ तक। उसके बाद ये सिंगल हो जाएगा, फिर भी घटता रहेगा यहाँ तक ऐसे। तो उम्मीद करते हैं कि डिजाइन आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं तो फिर से आप हमें कमेंट कर सकते हैं, कमेंट करके हमें बता सकते हैं कि हमें डिजाइन समझ में नहीं आया, तो हम फिर से आपको डिजाइन समझाने की कोशिश करेंगे। देखिए फ्रेंड, एक्स्ट्रा वाला ये तीन फंदा डिजाइन का, एक फंदा उल्टा। अब हम जैसे यहाँ पर दे रहे थे जाली, उसी तरह से हमको जाली देना है। ऐसे फंदा हम लपेट करके इसे उल्टा बना लेंगे, फंदा पीछे करके यहाँ पर पलट लेंगे और दो का एक कर देंगे। ऐसे एक दो तीन, तीन फंदा बन गया है। उल्टा फंदा बना लेंगे दो फंदा, फिर दो फंदा सीधा, फिर से दो फंदा उल्टा, एक दो, ये रहा तीन। तीन फंदा बनने के बाद हम यहाँ पर फिर ऐसे इस मोड़ से फंदा को बंद कर देंगे, इसे हम उल्टा बना लेंगे। उसके बाद फिर से हम जाली देंगे और एक फंदा उल्टा बना लेंगे, फंदा पीछे करके ये वाला डिजाइन जो मेरा जा रहा है इसे बना लेते हैं, फिर आपको दिखाएंगे आगे। देखिए फ्रेंड, ये प्रोसेस मेरा जा रहा है। यहाँ पर ये दो फंदा उल्टा रहेगा इस तरह,
और उसके बाद अब हम जाली देंगे तो मेरा सीधा फंदा स्टार्ट होगा। तो चलिए आगे बताते हैं। दो फंदा उल्टा, एक दो, ये रहा तीन, तीन फंदा सीधा, एक फंदा फिर से उल्टा, फंदा अपनी साइड करके यहाँ पर हम, सॉरी, फंदा इस तरह से लपेट कर इसे हम उल्टा बना लेंगे। दो फंदा उल्टा बनाने के बाद हम इसको इस तरह से पलटेंगे और यहाँ पर फंदा बंद कर देंगे। एक दो, ये देखिए इस तरह से मेरा बनता हुआ जा रहा है। अब फिर दो फंदा उल्टा, दो फंदा सीधा, फिर से दो फंदा उल्टा, फिर एक दो फंदा सीधा, और इसको इस तरह से पलट लेंगे। इस मोड़ से ऐसे हम इसे बना लेंगे। अब दो फंदा मेरा उल्टा बनेगा, एक दो, दो फंदा उल्टा बनाने के बाद हम फिर से फंदा लपेट करके यहाँ पर उल्टा एक फंदा बना लेंगे और इसे हम सीधा बना लेंगे तीन फंदा को। फिर उल्टा हम बनाकर आपको सीधा में दिखाते हैं। देखिए फ्रेंड, दो फंदा एक्स्ट्रा वाला, तीन फंदा डिजाइन वाला, एक फंदा उल्टा बनाकर अब हम फंदा अपनी साइड रखेंगे फिर से और इसे सीधा बना लेंगे। यहाँ पर मेरा जाली पड़ जाएगा। दो फंदा उल्टा बना लेंगे, एक दो, फंदा पीछे करके हम फिर इस तरह से इस फंदा को पलट लेंगे, ऐसे करके दो का एक कर देंगे। अब यहाँ पर मेरा बच जाएगा एक फंदा सीधा, दो फंदा उल्टा, दो फंदा सीधा, फिर से दो फंदा मेरा उल्टा, फंदा पीछे करेंगे। एक फंदा सीधा बनाने के बाद ये दोनों फंदा को हम इस मोड़ से ऐसे मिलाकर एक कर देंगे। उसके बाद ये दो फंदा हम उल्टा बना लेंगे, एक दो, दो फंदा उल्टा बनाने के बाद हम एक सीधा बनाएंगे और फिर से हम फंदा अपनी साइड करके, सॉरी, फंदा पीछे ही रखेंगे और इसे हम उल्टा बना लेंगे। तो यहाँ पर मेरा जाली भी बन जाएगा। अब ये हम डिजाइन बनाकर फिर सीधी सिलाई में आपसे मिलेंगे। देखिए फ्रेंड, अब ये मैं अंतिम सिलाई है आपको बता रही हूँ। इसके आगे आपको पैटर्न देख करके बनाना पड़ेगा। ये दो फंदा एक्स्ट्रा वाला है, तीन फंदा मेरा डिजाइन वाला है और एक फंदा फिर से उल्टा। फंदा अपनी साइड करके यहाँ पर हम सीधा बना लेंगे। अब ये जाली वाला सीधा है, एक दो, ये तीन फंदा मेरा सीधा बन गया। अब दो फंदा उल्टा, यहाँ पर हम फिर से फंदा को पलटेंगे ऐसे और दो का एक कर लेंगे। अब ये मेरा सीधा सिंगल यहाँ पर कंप्लीट हुआ है। फिर दो फंदा उल्टा, दो फंदा सीधा, फिर से दो फंदा उल्टा, फंदा पीछे करके ये दोनों सीधा को एक कर देंगे। दो फंदा उल्टा बना लेंगे, उसके बाद एक दो, अब हम फंदा पीछे करके एक जाली दे देंगे और एक उल्टा बनेगा। तीन फंदा यहाँ पर मेरा सीधा बन गया, एक फंदा उल्टा बन गया। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं कि डिजाइन अब समझ में आपको आ गया होगा। और इसके आगे अब हम यहीं पर डिजाइन को करेंगे ख़त्म। मिलेंगे फिर से एक बहुत ही खूबसूरत सा डिजाइन के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। और इसके आगे देखिए, मैं फिर से आपको दिखा देती हूँ मैंने जो ये प्रोसेस मेरा
ख़त्म हो चुका है। अब यहाँ पर ये सिंगल फंदा जो सीधा है वो ये वाला प्रोसेस यहाँ पर जा रहा है, ये देखिए इस तरह से। ये अब यहाँ पर 3 से 4 सिलाई तक सिंगल जाएगा और इसमें आकर के मिल जाएगा मेरा। यहाँ पर से देखिए 1 2 3 4 5 6 जाली जब यहाँ पर मेरा कंप्लीट हो जाएगा तो यहाँ पर से ये फंदा फिर से घटना स्टार्ट होगा, ये देखिए। तो बनाइए इसी तरह आप अपने प्रोजेक्ट में। हम फिर से मिलेंगे एक अच्छे से वीडियो के साथ, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। खुदा हाफिज़।